ओके, तो IRFC शॉर्ट टर्म के लिए भी अच्छा है, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो भी IRFC अच्छा लग रहा है। 185 के लेवल्स अगले 6 महीने में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको 1.5 से 2 साल के लिए होल्ड करते हैं तो भी और अच्छे लेवल्स यहाँ पर दिखेंगे। और रेलवे स्टॉक्स, ये एक ऐसा और सेक्टर है जहाँ पर कि इस सरकार का फोकस है, और रेलवे से जुड़े भी काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स आने वाले समय में होंगे। वैसे तो हमने देखा कि स्पेस में काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो कि ऑलरेडी एक अच्छा रनअप दिखा चुके हैं, लेकिन IRFC अभी भी आप इस पर नज़र रख सकते हैं खरीदारी करने के लिहाज से। ये स्टॉक वैल्यूएशन वाइज भी अच्छा लग रहा है IRFC का, तो यहाँ पर नजर रखिए। और इसके अलावा एक और चीज, जो अभी गिरीश बता भी रहे थे कि डिविडेंड यील्ड्स भी अच्छे हैं, नतीजे भी आ सकते हैं, कर्ज कम करने पर भी कंपनी ने फोकस बढ़ाया है, और डेट रिडक्शन से जुड़ा कोई भी अनाउंसमेंट होता है तो वो कंपनी के लिए पॉजिटिव ही है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, पॉजिटिव फंडामेंटल्स नजर आ रहे हैं IRFC के लिए, तो इस पर आप नजर रखें। तो ये रहा रेलवे स्पेस से एक अकाउंट से। गिरीश जी, अब दूसरा स्टॉक आपकी तरफ से कौन सा होगा? जो दूसरे स्टॉक है वो मैं रेलवे से लेना चाहूंगा, वो IRFC है, क्योंकि देख रहे हैं कि हम रेलवे का जो एक्सपांशन प्लान है वो काफी अच्छा तरीके से निकल के आया है। अगर हम स्ट्रांगली कैंडिडेट के तौर पे बात करें तो 10 से 12 लाख करोड़ का एक मेगा प्लान है जो गवर्नमेंट ऑलरेडी अपने मैनिफेस्ट में ऑलरेडी बता चुकी है। कहीं पे भी जो फर्दर डेवलपमेंट है, जैसे कि रेलवे इको सिस्टम को डेवलप करना या फिर स्टेशन को रिस्टोर करना, तो ये दोनों तीनों स्ट्रक्चर्स में कहीं पे भी इको सिस्टम में IRFC बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट के तौर पर निकल जाता है। ऑलरेडी अपने अच्छे डिविडेंड्स को लेके एक माना जाता है स्टॉक, क्योंकि जिस तरीके का मार्केट सिचुएशन है कहीं पे भी हमें डिविडेंड ओरिएंटेड स्टॉक्स के ऊपर भी फोकस करना चाहिए, तो उस वजह से भी। एंड एक और बहुत बड़ा पॉइंट ये भी है कि ये अपना डेट काफी लेवल तक रीस्ट्रक्चर करने के प्लानिंग में है, तो जो हम आगे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर ये अपना पूरा डेट ऑलमोस्ट रीस्ट्रक्चर कर चुका होगा, तो कहीं पे भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आता है। 185 का मेरे लिए लक्ष्य है IRFC का, बट अगर किसी को भी कैंडिडेट के लिए रखना है अपने पोर्टफोलियो में तो 1.5 से 2 साल के टाइम फ्रेम के लिए भी रख सकता है।